स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। एंड जितने भी आपके पोजीशंस बना के रखे हैं आप लोगों ने, उनमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखे होंगे, क्योंकि जो भी आपका सिस्टम है उसको फॉलो करिए और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। अभी हम लोग फिलहाल बर्जर पेंट्स लिमिटेड को देखेंगे और यहाँ पे इसके एनालिसिस करेंगे कि आगे फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग तो है लेकिन यहाँ पे किस प्रकार की सेलिंग है हम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे बहुत ही बड़ा कैंडल बना रखा है, ठीक है। और ये कैंडल बनाने के बाद एक बार पुल बैक करने की कोशिश की है, लेकिन लगभग लगभग 50-60% से ही वो पुल बैक फेल हो गया है, नीचे की ओर आ गया है। और जब ये नीचे की ओर आया है यहाँ पे, तो हम लोग को एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। ये जब ऊपर से आया था तो यहाँ पे अगर ये ऊपर निकल जाता तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप कन्फर्मेशन मिल जाता कि ये ऊपर निकल जा सकता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऊपर निकल जाता, लेकिन फिलहाल इसमें हुआ क्या, इसमें ये जो कन्फर्मेशन था वो फेल हो गया और नीचे की ओर का ये प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। ये अभी नीचे की ओर का प्राइस एक्शन बना रहा है, इसका जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से हो सकता है फ्रेश लो लगाए। तो ये कहाँ तक जा सकता है और आगे क्या कर सकता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा और इसके अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, और ऊपर की ओर से भी अगर ड्रॉ किया जाए तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। फिलहाल अभी एक नैरो रेंज में धीरे धीरे जा सकता है, अगर यहाँ से बाउंस बैक आज का जैसा हुआ है, ठीक है, अभी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन आ रही है, तो अगर फ्यूचर में अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो वह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता है तो यहाँ पे ये जो लेवल है 720 का लेवल है, काफ़ी स्ट्रांग लेवल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसको बहुत बार इसने दो बार कोशिश कर रखा है, इस लेवल को ऑलरेडी इसने कोशिश कर रखा है दो बार ब्रेक करने का। अगर थर्ड टाइम फिर से आता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक तो होगा ही, उसके साथ ये भी लेवल ब्रेक हो जाएगा, एंड फिर से हो सकता है इसको जो 700 का राउंड लेवल है यहाँ से एक बाउंस बैक मिले, और बाउंस बैक मिलने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से फिर से ये रीटेस्ट करने के बाद नीचे की ओर आ सकता है, और नीचे की ओर आने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो वेल एंड गुड है, अगर नीचे ऊपर की ओर नहीं निकला और फिर से ये नीचे कंटिन्यू करता है तो हमारा जो 780 का लेवल है ये जो सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि जब से ये ऊपर की ओर गया है इस सपोर्ट को एक बार भी अभी तक टेस्ट नहीं किया, एक बार भी टेस्ट नहीं किया, और ये सपोर्ट बहुत पुराना सपोर्ट है फरवरी का, तो हो सकता है यहाँ से ये जब ये सपोर्ट ले तो एक जेन्यून पुल बैक आए और यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन ऐड कर पाएंगे, ये एक मोटी मोटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसा हो सकता है, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में अगर इस तरीके का ये प्राइस सेक्शन बना के नीचे की ओर आता है तो एक तरह का सिनारियो ये है कि ये अगर नीचे आता है तो किस प्रकार से आएगा। एंड दूसरी सिनारियों की अभी हम बात कर लेते हैं, तो दूसरी सिनारियों के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैंने आपको बताया ये अगर यहाँ से ऊपर जाना है, इसको 720 से लेके 700 के आसपास अगर ऊपर जाना है तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हमको पुल बैक दिखेगा, एंड पुल बैक के बाद डाउन एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाके एकदम अच्छे से और देखेंगे कि किस प्रकार से वो जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न है बन सकता है, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो हमें एक सिग्नल देता है जिसको मैं जनरली बुलिश सिग्नल बोलता हूँ, जब ये कोई भी शेयर ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है तो हम लोग को एक सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से जब ये शेयर नीचे आया था तो ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक किया इसने, ब्रेक करने के बाद ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न, ये तो बहुत ही बड़ा डब्ल्यू टाइप पैटर्न हो गया, लेकिन जब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हुआ ये जब ब्रेक हुआ तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में पोजीशन ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है फर्स्ट टाइम पुल बैक होता है, लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे आया था और यहाँ से ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया था और यहाँ पे इस डब्ल्यू टाइप पैटर्न का नेक ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग को पोजिशन बनाना चाहिए और जनरली अपना स्टॉप लॉस जो होगा ये लास्ट स्विंग के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि ये फिर से आगे नीचे से इसको रिटेस्ट करके जा सकता है, तो ये लास्ट स्विंग के नीचे रखना चाहिए। तो सिमिलर यहाँ पे फिर से जब ये नीचे आया तो फिर से यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया, ठीक है, तो फिर से हमको एक कंफर्मेशन मिला कि ये शेयर ऊपर की ओर जा सकता है, तो अगर यहाँ पे किसी ने अपना पोजीशन बनाया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा तो सेफ होगा और उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, उसको प्रॉफिट मिला होगा। मानी यहाँ पे किसी ने मिस कर दिया था और यहाँ पे उसको इस टाइप का पैटर्न दिखा, ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया और यहाँ पे उसको एक एक तरह का पैटर्न दिखा और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी दिखी, तो जब यहाँ से वो पोजिशन बाई एड कर सकता था, यहाँ पे लगभग लगभग
100% क्वांटिटी में कभी पोजीशन नहीं ऐड करना चाहिए, कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करना था, कुछ क्वांटिटी में जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी तब ऐड करना था, और अपना स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे यहाँ पे भी किसी ने बनाया हो तो उसको अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करके कर देना चाहिए था, एंड फिर जो भी प्रॉफिट था उसको बुक कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो सिनारियो है यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये जो दिख रहा है सिनारियो, ये ऊपर की ओर गया फिर नीचे से ये ब्रेक करने का लग रहा है, अगर मार्केट में फिर से गिरावट आती है तो ये नीचे की ओर आएगा, और जैसा कि मैंने बताया 700 के आसपास से ये फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, और जब भी यहाँ के लेवल से भी ये ऊपर जाएगा तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे एक तरीके का ये ऊपर से ट्रेंड लाइन तो आ रहा है, और यहाँ पे इस तरीके का कुछ पैटर्न बना सकता है जिसका जब ब्रेक होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग अपनी पोजिशन ऐड कर सकते हैं, और ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, जब इस ट्रेंड लाइन के पास में भी ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना है तो हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये होगी एंटरिंग का बात, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये शेयर और नीचे आ सकता है, तो ये 677 तक तो आ सकता है, इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे फ्यूचर में अगर इससे भी ज़्यादा नीचे आएगा तो जो अपना उसके बाद का जो सपोर्ट होगा वो 600 से लेके 620 के बीच का होगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है ये शेयर इतना नीचे आना चाहिए, क्योंकि बर्जर पेंट 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 वाले जो भी स्टॉक हैं ज़्यादा नीचे जाते नहीं हैं, और ये एक लेवल को सपोर्ट करके ऊपर की ओर निकलते रहते हैं, तो 700 का अगर भी इसमें लेवल आता और इसमें कोई भी प्राइस एक्शन बुलिश एक्शन मुझे दिखेगा तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा, आपको भी इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि 700 का लेवल काफ़ी दूर नहीं है, 40 पॉइंट्स दूर हैं, तो 2-3 दिन में भी आ सकता है अगर ये शेयर नीचे की ओर जाता है तो, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर निकलता है और ये जहाँ पे है जिस लेवल पे अगर ऊपर की ओर निकलता है यहाँ पे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग कुछ पोजीशन ऐड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जाके अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो हमारे पास जो जितने पोजीशन में यहाँ पे ऐड करेंगे उतने पोजीशन का अपने पास यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो जितना फ्रेश क्वांटिटी में यहाँ पे हम लोग और पोजीशन ऐड करेंगे सबका स्टॉप लॉस हम लोग इस लास्ट स्विंग के नीचे रखेंगे, तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा एज अ स्टॉप लॉस हमारा ऐड करेगा। तो इस प्रकार से मेरी स्ट्रेटेजी है इसमें पोजीशन बनाने की, आगे आने वाले फ्यूचर में अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो, या फिर यहाँ से रिवर्स होता है तो, अगर ये नीचे जाता है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा और 700 के आसपास देखूंगा किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। तो ये थी बर्जर पेंट की एनालिसिस, आशा करता हूँ आपको कुछ लर्निंग मिला होगा एंड आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार की हम लोग यहाँ पे ऐसे ही एनालिसिस करते हैं कि कौन सा शेयर कहाँ से नीचे और कितना नीचे जा सकता है, या कहाँ से फिर वो रिवर्स लगा सकता है, यू टर्न लगा सकता है, और हम लोग किस प्रकार से उसमें पोजीशन बनाएं ताकि हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।